अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड थे। सो सेक्शन वन में इंग्लिश, सेक्शन टू में जी के, सेक्शन थ्री में इस्लामिक स्टडी, सेक्शन फोर में कंप्यूटर, सेक्शन फाइव में मैथमेटिक्स और सेक्शन सिक्स में पार्क स्टडी शामिल थे। सो इन तमाम MCQs को हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मैथमेटिक्स के सेक्शन में उन तमाम MCQs के साथ सोल्यूशन भी गिवन है इंग्लिश। सो पहला जो MCQs था UDC के पेपर में वो था, ही वॉज वेटिंग डेश द डोर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एट द डोर। यहाँ पर जो करेक्ट प्रोनाउन आता है वो है एट द डोर। कंप्लीट द प्रोवर्ब, प्रोवर्ब कहते हैं मुहावरे को, बर्ड्स ऑफ ए फीदर डैश टुगेदर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब है रेवर्ड और फीदर का मतलब है उड़ने वाले। सो परिंदे जो है ये तमाम एक ग्रुप में उड़ते हैं। सो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, बर्ड ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर इज इन इंग्लिश प्रोवर्ब और ये काफ़ी फेमस प्रोवर्ब है जिसका मतलब है सिमिलर टाइप इंटरेस्ट पर्सनैलिटी करेक्टर आर जो कि एक दूसरे के साथ नेचुरली एसोसिएट करते हों। चूज द करेक्ट आर्टिकल, आई डोंट लाइक डैश डॉग्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द डॉग्स। आई डोंट लाइक द डॉग्स। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिबेट, रिबेट का सिनोनिम क्या है, मींस उससे मिलता जुलता अल्फाज कौन सा है। अगर ऑप्शंस की जानिब आए, सो चीप का मतलब है सस्ता, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, एक्सपेंसिव महंगा, डिस्काउंट सस्ता, और रिबेट उसका भी मतलब है कम करना या सस्ता। सो यहाँ पर जो मैच होता है रिबेट के साथ वो है ऑप्शन डी, डिस्काउंट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ये आप खुद सेलेक्ट कर ले इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, वीडियो को पॉज करके अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सुपर टेंडन। एंटोनम ऑफ फिक्टिशियस इज, फिक्टिशियस का ऑपोजिट क्या है। सो अगर बात की जाए फ्लैटरिंग की, सो फ्लैटरिंग का मतलब है चापलूसी, और बी फॉल्स, फॉल्स का मतलब है गलत, सी नेगेटिव, ए जेन्युइन। फिक्टिशियस का मतलब है फर्जी, जेन्युइन का मतलब है हकीकी। सो यहाँ पर द करेक्ट एंटोनम ऑफ फिक्टिशियस इज जेन्युइन। एंटोनम ऑफ डिप्लीट इज, डिप्लीट का ऑपोजिट वर्ड क्या है, डिप्लीट का मतलब है ख़त्म करना। सो अगर ऑप्शंस की जानिब देखा जाए, सो रिफंड, रिफंड कहते हैं वापस करना, रिन्यू मींस शुरू करना, ताज़ा करना, दोबारा से शुरू करना, सी फुलफिल और रिड्यूस कम करना। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन मैच होता है डिप्लीट के साथ एंटोनम की सूरत में वो है ऑप्शन बी, रिन्यू, शुरू करना, ताज़ा करना, डिप्लीट ख़त्म करना। डैश इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये फेमस इंग्लिश प्रोवर्ब है। सो ऑप्शन बी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एंड अबाव बोर्ड पर्सन मीन्स, अबाव बोर्ड पर्सन का क्या मतलब है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ट्रस्ट वोर्थी, मीन्स ऐसा शख्स जिस पर आप मुकम्मल तौर पर एतमाद कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स, द रिपोर्ट कंक्लूड्स सैडली दैट डैश स्टूडेंट्स हैव डैश नॉलेज ऑफ फिजिक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, वेरी फ्यू और सम, जो है वो ये आप करेक्टली मैच होते हैं। चूज द सिनोनिम ऑफ डिटो, डिटो का क्या सिनोनिम है, डिटो के मायने हैं एक जैसा। सो अगर ऑप्शंस की जानिब देखा जाए, सो ऑप्शन सी द सेम, ये मैच होता है डिटो के साथ। ए ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड, गाय का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हर्ड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग्स, सो इसमें भी आप खुद फाइंड आउट करें, वीडियो को पास करके एक ऑप्शन सेलेक्ट करें कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टेम्पोरल। ही वॉज डैश सच ए हरी दैट ही फॉरगेट हिज कीज। सो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इन। ही वॉज इन सच ए हरी दैट ही फॉरगेट हिज कीज। ऑपोजिट ऑफ वायलेंट इज, वायलेंट का उलट क्या है, वायलेंट का मतलब है तशद्दुद करना। सो अगर ऑप्शंस की जानिब देखा जाए, सो ऑप्शन बी, हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब है अदम तशद्दुद बेजर। सो ये यहाँ पर कंप्लीटली मैच होता है वायलेंट के साथ। इंडस्ट्रियस मीन्स, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डिलिगेंट। अफेयर विद योर फ्रेंड्स मीन, अफेयर विद योर फ्रेंड का क्या मतलब है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फॉल्स फ्रेंड, यानी कि ऐसा दोस्त जो कि मुसीबत के वक्त आपको तनहा छोड़ जाए, जब आप पर किसी किस्म की मुसीबत आती है सो वो आपके साथ कड़ा नहीं होता। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, सो इन गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, वीडियो को पॉज करके आप खुद फाइंड आउट करें। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बिगिनिंग। ऑपोजिट ऑफ पैराडॉन,
पैराडॉन का उलट क्या है? पैराडॉन का मतलब है माफ़ करना। सो अगर ऑप्शंस की जानिब देखा जाए, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पनिश। इट बिकेम डेश दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब है जाहिर। सो ये जाहिर है कि वो मरने वाले हैं। सेक्शन टू, सो सेक्शन टू में हमारे साथ जनरल नॉलेज है। द UNO वॉज फाउंडेड इन विच ईयर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस किस साल बनाया गया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1945। डिफिशेंसी ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी कॉजेस, आयरन की कमी इंसान के जिस्म में क्या कॉज कर दिया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एनीमिया। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज, सन के सबसे करीब जो प्लैनेट है वो कौन सा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मर्करी। एंजेला मार्केल वॉज द चेयरमैन ऑफ, एंजेला मार्केल किस मुल्क की चेयरमैन थी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जर्मनी। 10 डोमिंग स्ट्रीट इज द रेजिडेंस ऑफ, 10 डोमिंग स्ट्रीट किसका रेजिडेंस है, किसकी रिहाइश गाह है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। लियोनल मैसी इज अ फेमस प्लेयर ऑफ, मैसी किस स्पोर्ट्स के फेमस प्लेयर है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सॉसर, यानी कि फुटबॉल। मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिराज किस चीज़ की एग्जाम्पल है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम, रबर किस चीज़ से लिया जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्पेशल काइंड ऑफ ट्री। द अर्थ स्मॉलेस्ट ओशियन, दुनिया का सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एरेक्टिक। और सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है। द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, चुकर। विच कंट्री फ्लैग्स इज नॉन एज यूनियन जैक, किस मुल्क के परचम को यूनियन जैक कहा जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो टाइप ऑफ एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज, गाड़ियों की जो बैटरीज होती है उसमें किस किस्म का एसिड इस्तेमाल होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड। द मोस्ट पॉपुलस इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज, ऐसी इस्लामिक कंट्री जहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में पाकिस्तान से भी ज्यादा इस्लामिक आबादी है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 206। ए किलोमीटर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन, किलोमीटर यूनिट ऑफ डिस्टेंस है किस सिस्टम में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मेट्रिक सिस्टम। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, जो दूर दराज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको आप किस चीज़ के साथ सीन कर सकते हो? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टेलीस्कोप। येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू, येलो जर्नलिज्म किस चीज़ को रेफर करती है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सेंसेशनलिज्म। पेंटागन इज डिफेंस हेड ऑफिस ऑफ, पेंटागन किस मुल्क का डिफेंसिव हेड ऑफिस है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, USA। वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू, वन हॉर्स पावर कितने वाट्स के बराबर होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 746 वाट्स। अब आते हैं सेक्शन 3 की जानिब, जो कि हमारे साथ इस्लामिक स्टडी पर मुश्तमिल है। जन्नतुल बकी इज इन, जन्नतुल बकी कहाँ पर वाकई है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मदीना। मुजदलफा इज इन एरिया बिटवीन, मुजदलफा किन दो मकामात के दरमियान का एरिया है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मिना एंड अराफात। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या लकब था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, खलीलुल्लाह, यानी कि फ्रेंड ऑफ अल्लाह। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम वाज़ नॉन फॉर हिज क्वालिटी ऑफ, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को उनकी किस क्वालिटी की वजह से जाना जाता था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पेशेंस, यानी कि वो सबसे ज़्यादा साबिर थे, सबर करने वाले थे। विच सूरह स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह, कौन सा सूरह ऑफ द कुरान बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सूरह अल तौबा। उशर मीन्स, उशर का क्या मतलब है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 110। Which surah of the Holy Quran, the world Khatam al-Nabiyyin is mentioned? Quran ki kis surah mein Khatam al-Nabiyyin ka word mentioned hai? So the correct option is option D, surah al-Azab ki ayat number 40 mein Khatam al-Nabiyyin ka lafz mentioned hai. Namaz-e-Eid is, Namaz-e-Eid kya hai? Farz, nafl, wajib ya sunnah? So the correct option is option C, wajib. शवाल इज़ द डेश मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, शवाल इस्लामिक कैलेंडर में कौन सा महीना है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 10th, शवाल से पहले रमज़ान आता है। बैक बाइटिंग इज लाइक ईटिंग द फ्लैश ऑफ वन डेड डिश,
गीबत करना ऐसा है जैसे कि आप किसी मुर्दा शख्स का गोश खा रहे हो. सो वो मुर्दा शख्स कौन होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ब्रदर. गीबत करना ऐसा है जैसे कि आप अपने मुर्दा भाई का गोश खा रहे हो. ए पर्सन हु इज लाइबल टू पे ज़कात इस कार, ऐसा शख्स जो कि ज़कात देने के काबिल होगा उसे क्या कहा जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, साहिब निसाब. उशर एंड खमूस आर, उशर और खमूस ये दोनों क्या चीज़ है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टू काइंड ऑफ टैक्सेस इन इस्लाम. विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द की ऑफ पैराडाइज? इन गिवन ऑप्शंस में से किस चीज़ को की ऑफ पैराडाइज कहा जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सलाह, यानी कि नमाज. व्हाट वाज द फर्स्ट सिविल वॉर इन इस्लाम? इस्लाम में पहला सिविल वॉर कौन सा था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जंगे जमाल. दूसरा जो था वो था जंगे अबवा. सुलह हुदैबिया वाज साइंड बिटवीन मुस्लिम्स एंड देश. सुलह हुदैबिया मुसलमानों और किन के दरमियान साइन किए गए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पीपल ऑफ मक्का, यानी कि कुरैश मक्का. द फर्स्ट उमैयद कैलिफ वाज, उमैयद डायनेस्टी का पहला खलीफा कौन था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अमीर मुआविया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलवाहिद? अलवाहिद का क्या मतलब है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द यूनिक, अल्लाह के नामों में से एक नाम है. अमंग द फॉलोइंग बैटल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ हुफाज कुरान वॉज मार्टर्ड इन? इन फॉलोइंग बैटल्स में से किस जंग में सबसे ज्यादा हाफिज कुरान शहीद हुए? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जंग यमामा. किरामन कातिबीन मीन्स, किरामन कातिबीन का क्या मतलब है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इलस्ट्रियस राइटर. द होली प्रॉफिट एंड द हजरत अबू बकर टुक रिफ्यूज ड्यूरिंग हिजरत इन ए केव ऑफ. पैगंबर अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हों ने जब वो हिजरत कर रहे थे सो उन्होंने किस गार में पनाह ली? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जबल अल तौर. अब आते हैं सेक्शन 4 की जानिब जो कि कंप्यूटर एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म refer to the ability of a computer to automatically configure a new hardware component that is added to it? In following terms, in following options mein se kaun sa option computer ki is ability ko show kar raha hai jo ki automatically configure karega new hardware component ko? So the correct option is option D, plug and play. Hard disk in a computer is a कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है वो किस चीज़ का काम करते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, स्टोरेज डिवाइस, वो चीज़ों को स्टोर करता है. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट्स वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड. ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के वेरियस पार्ट्स को ऑपरेट करता है, उसको चलाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा को क्या कहा जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, बिट. 8 बिट से बनकर बाइट बनता है और 4 बिट्स को 1 निबल कहा जाता है. सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज बिट. इन पावर पॉइंट द सिलेक्टेड डिजाइन टेबलेट कैन बी अप्लाइड. पावर पॉइंट में आपने जो डिजाइन टेबलेट सेलेक्ट किया होता है वो किन चीज़ों पर आप अप्लाई कर सकते हो? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि करंट स्लाइड पर, all slides पर और presentation you create. A computer application program that display data arranged in row and columns is called. Computer application का ऐसा program जो कि data को arranged form में show करते हैं, यानी कि rows और column की form में, उसे क्या कहा जाता है? So the correct option is spreadsheet या Excel. What is the maximum font size you can apply for any character in MS Word? MS Word में आप font size को मैक्सिमम कितने अप्लाई कर सकते हो किसी करेक्टर पर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1638. इन एम एस एक्सेल वी कैन नॉट एडिट द कॉन्टेंट्स ऑफ ए सेल बाय. एम एस एक्सेल में हम कॉन्टेंट्स ऑफ ए सेल को किस की को प्रेस करने से एडिट नहीं कर सकते? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, प्रेसिंग द आल्ट की. व्हाट इज ए टेराबाइट? टेराबाइट क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1 trillion bytes, मीन्स 1 terabyte में 1 trillion byte मौजूद होते हैं. What does RAM in a computer stands for? कंप्यूटर में RAM किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, इसका क्या मतलब है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी. PowerPoint presentations are widely used as. PowerPoint presentations किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, आउटलाइन फॉर टीचर्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग. ए कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर्स इज. So the correct option is option D, bugs. Which shortcut key insert a new slide in a current presentation in PowerPoint? So the correct option is option B, Control plus M. Shortcut key to switch to the next window
इससे द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ऑल प्लस टैब। अब आते हैं सेक्शन 5 की जानब, मैथमेटिक्स। कंप्लीट द नंबर, आपको नंबर्स गिवन है 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41। सो इसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा? सो अगर आप नंबर्स की जानब देखें तो ये तमाम प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में 41 के बाद 43 आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 43। क्लास हैज 12 बॉयज एंड 18 गर्ल्स, बॉयज आर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास? ये क्लास है जिसमें 12 बॉयज और 18 गर्ल्स हैं। सो उस क्लास में बॉयज का फ्रैक्शन के हिसाब से बॉयज कितने फीसद मौजूद है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 2/5। सो इसके सोल्यूशन की जाने बात है, सो बॉयज 12 है, गर्ल्स 18 है, सो टोटल क्लास की तादाद 30 है। सो अगर हमने बॉयज फ्रैक्शन मालूम करना है, सो बॉयज 12/30, यानी कि 30 बंदों में 12 बॉयज है, सो इसमें हमने इसको डिवाइड कर देना है 12 को 30 पे। सो हमारे साथ आ जाता है 2/5, यानी कि 2/3, 3/3 गर्ल्स हैं और 2/3 जो है वो बॉयज हैं। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे, देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वेडनेसडे। सो अगर सोल्यूशन की जाने बातें, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है गुजरा दिन। सो डे बिफोर यस्टरडे मीन्स गुजरे दिन से भी गुजरा दिन, सो वो सैटरडे था। सो अगर यस्टरडे की बात की जाए, सो वो संडे होगा। देखिए, डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से पहला दिन सैटरडे था, सो यस्टरडे कौन सा होगा? संडे। उसके बाद देन द डे आफ्टर टुमारो, सो टुडे तो मंडे हो गया ना, टुमारो टुमारो ट्यूसडे हो गया, डे आफ्टर द टुमारो, टुमारो के बाद मींस जो आने वाला दिन है उससे आगे का दिन वो क्या होगा? वो होगा वेडनेसडे। इन ए डेरी फार्म 40 काउस ईट 40 बेग्स ऑफ हस्क इन 40 डेज, इन हाउ मेनी डेज वन काउ विल ईट वन बैग ऑफ हस्क? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 40। सो अगर सोल्यूशन की जानेब आते हैं, डेज इन विच 40 काउस ईट 40 बेग्स ऑफ हस्क, हस्क घास फूस को कहते हैं, सो 40 काउस 40 बेग्स को 40 डेज में खाएंगी। सो डेज इन विच वन काउ ईट 40 बेग्स ऑफ हस्क, सो अगर एक काउ 40 बेग्स कितने दिनों में खाएगी? 40 दिनों में। 40 काउस 40 बैग्स को 40 दिनों में खा रही है, सो ऑब्वियसली एक काउ जो है वो 40 बैग्स को 40 दिनों में खाएगी। सो डेज इन विच वन काउ ईट वन बैग ऑफ हस्क, सो एक काउ जो है वो एक बैग ऑफ हस्क को कितने दिनों में खाएगी? सो 40 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 40 बैग्स, सो इससे हमारे साथ आंसर आता है 40। इन अ डेयरी फार्म 40 काउज ईट 40 बेग्स ऑफ हस्क इन 40 डेज, सो ये क्लियर है, इन 40 डेज वन काउ विल ईट वन बैग ऑफ हस्क, सो 40 दिनों में एक काउ 40 बेग्स ऑफ घास फूस खाएगी। पॉइंट आउट द ओड एंट्री इस गिवन सीक्वेंस में से, यानी कि 6, 9, 15, 21, 24, 28, 30, इसमें से ऑड एंट्री मीन्स ऐसी एंट्री जो कि इस सीक्वेंस से रिलेट नहीं करती। अब ये सीक्वेंस जो है वो 3 का टेबल है, सो 3 के टेबल में कौन सा वर्ड या कौन सा करेक्टर नहीं आता? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 28 इज नॉट ए पार्ट ऑफ थर्ड टेबल, यानी कि वो 3 पर मल्टीप्लाई नहीं होता। 0.8 एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन इज, अगर हम 0.8 को फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें, सो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 8/10, यानी कि 0.8 को इधर लेकर आएंगे, सो इसको 10 पर डिवाइड करेंगे। सेक्शन 6 पाक स्टडी, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेज बाय स्टैट्यूट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। द खिलाफत मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू खिलाफत मूवमेंट किस से ताल्लुक रखता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ओथमान एम्पायर। कायदे आज़म 14 पॉइंट्स वो रिस्पॉन्सिव टू, कायदे आज़म के जो 14 नुकात थे वो किसके रिस्पॉन्स में थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नेहरू पैक्ट। व्हेन वाज द सिंध सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1936।
द कायदे आजम पास्ड हिज बारह ला एग्जामिनेशन फ्रॉम, कायदे आजम ने अपना बारह ला एग्जामिनेशन किस यूनिवर्सिटी से पास किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, लिन कॉलिंस। इन हु वाज द मैन आर्किटेक्ट ऑफ द जॉइंट सेशन मीटिंग ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन लखनऊ इन 1916। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। Who among the following remained Viceroy of India from 1943 to 1947? So the correct option is option D, Lord Wavell. Who were the ruler of Kashmir at the time of partition? Kashmir ke taqseem ke waqt Kashmir ke ruler kaun the? So the correct option is option C, Hari Singh. The day of deliverance was observed by the All India Muslim League on. So the correct option is option A, 22nd December 1939. Who is the current Minister of Water and Power? यानी कि कौन है current Minister of Energy? So the correct option is option B, Hamad Azhar. OGRA stands for, so the correct option is option B, Oil and Gas Regulatory Authority. Satpara Lake is located close to, so the correct option is option A, Skardu. Kulbhushan Jadhav death sentence was suspended by, कुलभूषण जाधव जो कि इंडियन नेवी ऑफिसर थे उसको पाकिस्तान में पकड़ा गया था, तो इसके डेथ सेंटेंस को किस कोर्ट की जानिब रद्द कर दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया कि आप कुलभूषण जाधव को डेथ नहीं देंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्रॉम, पाकिस्तान का माली साल किस महीने में शुरू होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1st July. Who was the founder of the Mughal Empire? Mughal Empire ke bani kaun the? So the correct option is option A, Zahiruddin Babur. Kalabagh is in which city? Kalabagh kis shahar mein waqi hai? So the correct option is option D, Miawali. What made Sir Syed Ahmad Khan conclude that Hindus and Muslims could not work together anymore? Sir Syed Ahmad Khan ko kis cheez ne ye sochne par majboor kiya ke Hindu aur Musliman एक साथ अब आगे काम नहीं कर सकते? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंट आल मुस्लिम लीग इन, मोहम्मद अली जिन्ना ने आल मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1913। द बादशाही मॉस्क ऑफ लाहौर वाज बिल्ड बाय, बादशाही मस्जिद लाहौर किसने तामीर कराई? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, औरंगजेब। Which Pakistani scientist was awarded Nobel Prize for Physics in 1979? So the correct option is option D, Dr. Abdus Salam.